वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, ये है गोवा में हमारा तीसरा दिन और आई होप आप सबने इसका पार्ट वन देख लिया होगा। तो अब हमने अपने रिजॉर्ट में सारा सामान रख दिया है और अब जा रहे हैं ओल्ड गोवा। ऑन द वे हम कैलिंगुट में रुकते हुए जाएंगे जहां पर हमें लंच करना है। साथ में बने रहिए और हाँ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये है फिशरमैन्स वॉर्फ, जो कि गोवा का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। ये चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स दरअसल हॉलीडे होटल्स ग्रुप के अंडर आते हैं और ऑल ओवर इंडिया इनके टोटल 5 आउटलेट्स हैं। एक बेंगलोर में, एक हैदराबाद में, एक साउथ गोवा के कैवलॉसिम में, एक पंजिम में और एक यहाँ कैलंगुट में जहाँ हम आए हैं। इनकी स्पेशलिटी है गोवन कुजीन एंड मेनली सी फूड, इसीलिए इनका नाम है द फिशरमैन्स वॉर्फ। और हमें यहाँ पर आने का बहुत मन था, इसलिए आज हम यहाँ पर एक लाइट लंच करके जाएंगे। तो वी आर हियर एट द फिशरमैन्स वॉर्फ, दिस इज राइट एट द कैलंगुट क्रॉसिंग और ये बागा और कैंडलिम से बिल्कुल एक्सेसिबल है। हम लोगों ने बहुत दिन से सोचा हुआ था कि यहाँ पर आना है और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी जगह है एक्चुअली, एंड इट्स अ राइट प्लेस फॉर ऑथेंटिक गोवन एंड कॉन्टिनेंटल कुजीन। तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, बस इट्स अ नॉर्मल गोवन फिश करी एंड राइस थोड़ा सा खाना है और फिर यहाँ से निकल जाएंगे साउथ गोवा की तरफ। ठीक है, तो फिर खाना जल्दी से ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऑर्डर किया ट्रेडिशनल गोवन प्रॉन करी विथ राइस। शेफ ने समझाया कि इस डिश को बनाने में इन्हें 4 घंटे लगते हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स लाइक कोकोनट पेस्ट, टोमेटो प्यूरी, गोवन चिली, कोरिएंडर एंड गोवन विनेगर। ये इतना सटल टेस्ट है लेकिन इसके साथ इट्स सो डैम टेस्टी, आई वांट टू हैव इट लाइक फुल। जितना है मैं पूरा करी भी, मैं राइस के बाद भी मैं करी सिर्फ वैसे ही ले सकती हूँ। इट इज़ सो 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 टेस्टी, क्वांटिटी काफ़ी सफिशिएंट है एंड टेस्ट इज़ रियली ऑसम इफ यू वांट टू हैव इट। और इसमें प्रॉन्स के साथ इन्होंने ओकरा भी दिया हुआ है एंड फ्यू अदर वेजिटेबल्स, सो इट्स वेरी यू रियली लाइक इट। अगर आप यहाँ पे आए तो डेफिनेटली गोवा में अगर आप आते हैं तो फिशरमैन्स वॉर्फ में ज़रूर एक बार आना ट्राई कीजिएगा, यू रियली फाइंड इट वर्थ। ये है अटल सेतु मांडवी नदी के ठीक ऊपर एक ऐसा फ्लाईओवर जो पणजी और पोरबोरियम को कनेक्ट करता है। ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज है और 5 किलोमीटर तक लंबा है। यह है पंजिम बस टर्मिनल, जहां से ऑल ओवर गोवा के लिए आपको आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सकता है। अब आप देख सकते हैं पंजिम का लोकल सिटी मार्केट ठीक हमारे लेफ्ट में और अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रॉपर पंजिम टाउन की ओर, खूबसूरत रिवर मांडोवी को अपने दाएं तरफ रखते हुए। तो फ्रेंड्स, as you know, Goa is one of the rarest places in India where gambling is legal, and here you can find the floating casinos mostly owned by the Delton and Pride Group. हमें यहाँ पर जो floating casinos दिख रहे हैं इनमें से mostly famous है Casino Pride, Delton Royal, Delton Jack and Big Daddy. इस बार हमारा casinos में जाने का कोई खास plan नहीं था, लेकिन अगली बार अगर हम जा पाए तो आपको भी जरूर साथ में लेके चलेंगे। अब हमारी बाएं तरफ है Inox Building और ठीक उसके साथ में है ओल्ड जीएमसी बिल्डिंग। अगेन नेवर टू मिस गाइस, ये सारे लोकेशंस बॉलीवुड की कई सारी मूवीज में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ हर एक छोटी से छोटी सड़क या गली भी इतनी खूबसूरत है, तो ऑब्वियसली वीडियोग्राफर्स का सबसे फेवरेट लोकेशन तो होगा ही।
have reached in Miramar Beach. This is the closest beach to Panjim. और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा सी के तरफ, थोड़ा सा समंदर को देखना है. देख के समझ में आ जाता है समाओ दैट ये नॉर्थ से थोड़ा सा तो डिफरेंट है ही है. यहाँ के जो क्राउड है दे आर लिटिल बिट डिफरेंट, और सी शोर को भी थोड़ा सा अलग सा लगता है मुझे तो वैसे. और यहाँ पे एक्टिविटीज़ वैसे उतनी है नहीं, पर इट्स अ वाइड वाइड, बहुत वाइड है. मैं आपको अभी दिखाती हूँ. तो यहाँ से एकदम दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रहा है समंदर है, कोई दूसरा शोर नज़र नहीं आ रहा है. सी शोर की बात कर रही हूँ. तो मीरामर बीच में हम बस थोड़ा सा ही घूम पाए. ये अपने आप में इतना ब्रॉड है कि चलते चलते हम थक गए, तो हम वहीं से निकल गए. और रास्ते में हमें कई सारे लोकल कैफेज दिखे जो काफी इंटरेस्टिंग लगा, और वहां काफी भीड़ भी थी. लेकिन अब हमें जाना था गोवा के यानी पंजिम के सबसे पॉपुलर चर्च की तरफ. सो फाइनली वी अराइव्ड एट दिस चर्च. ये मेरा सबसे फेवरेट चर्च है गोवा का, और मुझे यहाँ आने का बहुत मन था कल से. फाइनली हम यहाँ पहुँच गए, बट आई एम सो सैड. बहुत अनलकी हूँ मैं, क्योंकि चर्च एक्चुअली बंद है अंदर से. तो मुझे अंदर जाने का बहुत मन था, अंदर जाके आई विश आई कुड सी द एंटायर डेकोरेशन, पोस्ट क्रिसमस डेकोरेशन, और शायद ऑब्वियसली आई कुड मीट जीसस. लेकिन अभी ये हो नहीं पा रहा है. सो द पीपल से दैट वी हैव टू सी दिस चर्च फ्रॉम आउटसाइड ओनली. एनीवेज लेट्स गो एंड सी. बट एनीवेज ऑफकोर्स यू मस्ट बी नोइंग ये बहुत फेमस है, बहुत बहुत ज़्यादा. दिस चर्च हैज़ बीन शोन इन मोस्ट ऑफ द मूवीज़, सारे मूवीज़ में, मतलब जहाँ पे भी गोवा अगर कहीं पे दिखाए तो वहाँ पे ये चर्च ज़रूर दिखाते हैं. और लाइक इट्स वेरी पिक्चर परफेक्ट ऑल्सो, स्टार्टिंग फ्रॉम, मुझे याद है फ्रॉम इन माई चाइल्डहुड आई सॉ जोश मूवी. इन दैट मूवी द सीन दैट ऐश्वर्या इज जस्ट शी इज़ कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, उस मूवी से लेके लाइक देयर आर सो मेनी ऑफ रिसेंट वी हैव सीन दिस चर्च इन द मूवी सिंघम एंड सिम्बा, ये सारे मूवीज में ये दिखाया गया. सो आई नो इट्स वेरी फेमस, इट्स द मोस्ट फेमस प्रॉबेबली, और ब्यूटीफुल भी है. चलिए थोड़ा सा आगे जाके फिर देखते हैं. हम चर्च के अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन एक बहुत ही यूनिक चीज हमें देखने को मिला. गाइस वी विटनेस्ड अ गोवन वेडिंग, कैन यू बिलीव इट? समहाउ दे डिड नॉट परमिट अस टू शूट. एनीवे आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू ऑफर एटलीस्ट अ कैंडल टू लॉर्ड जीसस बिफोर लीविंग. एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ओल्ड गोवा, जहां पर सबसे ज्यादा हेरिटेज लोकेशंस हैं. और ओल्ड गोवा के स्ट्रीट्स होते हुए गुजरना तो वो तो मेरे लिए जैसे एक ड्रीम था, पता नहीं क्यों. Passing through my dream destination, the beautiful streets of Old Goa. Goan architecture is so beautiful and different. ये सारे घर traditional Goan houses हैं, और इनके courtyards, shaded windows, balconies, यहाँ तक कि streets में भी strong Portuguese influence clearly दिखता है.
फेमस म्यूजियम विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ विच इज़ राइट अपोजिट टू दिस बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस. सो ड्यू टू दिस कोरोना सिचुएशन राइट नाउ अभी सारे चर्चेज जो हैं वो बंद है, बट वी कैन सी देम फ्रॉम आउटसाइड. तो मैंने वो पणजी का जो चर्च है उसको भी मैंने बाहर से शूट कर पाई मैं, और यहाँ भी बाहर से हम शूट कर पाए हैं. तो यहाँ ये म्यूज़ियम हम पहले जिस बार हम आए थे गोवा उस टाइम हम अंदर का पूरा देख चुके हैं, और अभी काफ़ी शाम हो चुकी है, इट्स ऑलमोस्ट 6:30, तो अंदर जाने का टाइम भी नहीं है हमारे पास. सो विल जस्ट मूव आउट फ्रॉम हियर एंड दिस इज़ टू शो यू दैट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कभी आएंगे हम तब हम आपको इसके बारे में और थोड़ी जानकारी. राइट नाउ वी हैव टू मूव अहेड विद दिस राइजिंग मून. ये सोचकर भी अजीब लग रहा था कि अब दिन खत्म होने को है और हमें लौटना है. शाम के अंधेरे में ओल्ड गोवा की स्ट्रीट से जब गुजर रहे थे और हमने देखा सारे घर क्रिसमस डेकोरेशन से सजाया गया है, और हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई फेरी लैंड में हो. लौटते समय देखा मांडोवी नदी के पानी में शहर की रोशनी जैसे घुल गई हो. फ्लोटिंग कैसिनोज और क्रूजेस अब और भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे. एनीवे अब हमें रिजॉर्ट पहुंचना है. कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज आप भी हमें बताना कि हमारे साथ गोवा घूमते हुए आपको कैसा लगा. एंड यस फ्रेंड्स, डोंट मिस टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. अब हमारा अगला वीडियो आएगा ऑन आवर लास्ट डे इन गोवा. तब तक के लिए स्टे विथ अस, टेक केयर, बाय बाय.